एक खास कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परामर्श शिविर विश्व सिकल सेल दिवस 2024 सिकल सेल एनीमिया हेतु जागरूकता एवं रोगियों के लिए ये जो समारोह है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस खास दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख सकते हैं। डिंडौरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है और प्रहलाद पटेल भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है जो कि नरसिंहपुर से विधायक हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं अन्य और मंत्रियों को भी मंच पर जो इस वक्त मौजूद है। साथ ही ये जो कार्यक्रम है वो काफी कुछ संदेश देता है। विश्व सकल सेल दिवस समारोह आयोजन इसका डिंडौरी में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर इस वक्त मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहन यादव। थोड़ी ही देर में संबोधन भी संभव है, सीएम का शुरू हो सकता है। और उससे पहले आप ये परामर्श शिविर देख रहे हैं जिसमें कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आप देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी धरती पे मौजूद है। इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी अभिवादन शामिल है। राष्ट्रगान के लिए माननीय सभी तो विश्व सिकल सेल दिवस समारोह का आयोजन चल रहा है जिसमें शामिल होने के लिए जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति शामिल हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं राज्यपाल को भी मंगू भाई पटेल को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, साथ ही प्रहलाद पटेल को आप देख रहे हैं और यहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद हैं। इस समारोह के बारे में अगर हम बात करें तो बेहद ही खास समारोह है जो कि जागरूकता फैलाता है। विश्व सिकल सेवा दिवस इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक विशेष धुन पर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर राष्ट्रगान चल रहा है लेकिन मौजूद सारे अतिथि जो हैं मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में इस समारोह के बारे में भी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी और इसका उद्देश्य जो है उसके बारे में भी बताया जाएगा आखिर क्यों इस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व सिकल सेल दिवस जो कि हमारी 19 जून को दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। माननीय वर्ल्ड स्किल आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुधीश धनखड़ जी अवेयरनेस डे साथ राज्यपाल महोदय क्यों मनाया जाता है माननीय ये भी आपको बता देते हैं। काफी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जागरूकता दुनिया भर में बल्कि ये मनाया जाता है। हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2024 मनाया जाता है। जो सिकल सेल रोग एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आने लगती है जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। हर साल विश्व सिकल सेल दिवस 2024 को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच सिकल सेल डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस रोग से पीड़ित लोगों को कई तरह के लक्षणों का अनुभव हो सकता है जिसमें कि दर्द, एनीमिया, संक्रमण या अन्य गंभीर समस्याएं शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2008 में सिकल सेल डिसऑर्डर को पब्लिक हेल्थ से जुड़ी समस्या के तौर पर पहचानते हुए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। फिलहाल दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि मंच पर जगदीप धनखड़ मौजूद हैं और वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम भी मौजूद है राजेंद्र शुक्ला और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दीप प्रज्वलित कर चुके हैं। प्रहलाद पटेल मंच पर मौजूद है और साथ ही राज्यपाल भी मौजूद हैं मंच पर मंगू भाई पटेल। ऐसे कई चेहरे आप देख रहे हैं जिन्हें आमतौर पर आप देखते रहते हैं मध्य प्रदेश के फ्रंट लाइन लीडर्स के साथ साथ आप देख रहे हैं मंच पर देश के उपराष्ट्रपति को भी। तो जागरूकता फैलाने के लिए सिकल सेल की जो शुरुआत है वो की गई है। अब ऐसे एक में बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मध्य प्रदेश की सिकल सेल धरती डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी होने की वजह से शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता है और इसको लेकर जागरूकता फैलाना ही बड़ा मकसद है। डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय साथ ही साथ
आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले स्वागत के लिए मैं बड़ी आदर पूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के स्वागत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आदर पूर्वक आग्रह कि आप आए और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आपकी तालियां भी थोड़ी सहभागी बने, गौरव के पल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का। ये जो स्वागत वीरन माला जो कि आदिवासी संस्कृति की अपनी बहुत ही समृद्ध परंपरा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत। और ये गोंडी पेंटिंग जो कि जीआई टैग प्राप्त है और ये पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति की और जो आज के कार्यक्रम सिकल से लेने में आपको बात करें प्रदर्शित की हुई, बड़ी ही सादर भेंट कर रहे हैं स्वागत के इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को, ये गौरव के पल। और अब आग्रह पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी को शॉल एवं श्रीफल से, आज हमारे लिए बड़ी खुशी के पल है कि आज सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी का भी शुभ आगमन आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे। शॉल एवं श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत पेंटिंग भेंट करके, और गौरवमयी पल हम सबके लिए। इस श्रृंखला में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री से माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आए और माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी को आप स्वागत करेंगे। वीरन माला साथ ही साथ पगड़ी स्टॉल एवं गोंडी पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति का एक बहुत ही समृद्ध है। माननीय राज्यपाल महोदय का माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। गौरवमयी पल इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आए और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब बाबा महाकाल की पावन धरती से, एक संकल्प इरादा और इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध गौरवशाली और मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत। ये गोंडी पेंटिंग जो कि आज के कार्यक्रम का ध्येय भी है, और इस श्रृंखला में मैं अब आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आए और माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से मैं यथाशीघ्र आग्रह करूंगा जल्द से जल्द माननीय फगन सिंह कुलस्ते साहब से कि आप आए और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आए और प्रहलाद सिंह पटेल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन आप स्वागत करेंगे। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री का स्वागत माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी की शुभातों से। और अब स्वागत के क्रम को यही विराम देते हैं और कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। एक घर की बारिश की